वालेकुम आप देख रहे हैं सेवन थर्टी फाइव आई टी स्किल आज की इस वीडियो में हम आगे अपना कंटिन्यू करेंगे ट्रैक बाल से पीछे हमने माउस उसकी टाइप और पॉइंटिंग डिवाइस पढ़ी थी अब पॉइंटिंग डिवाइस में एक माउस पॉइंटिंग डिवाइस पढ़ी है आगे माउस की टाइप्स को पढ़ा अब दूसरी पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी पढ़ने जा रहे हैं हम ट्रैक बॉल तो ट्रैक बॉ uh, क्या होता है यह भी एक इनपुट डिवाइस है एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है जैसे हमने माउस को पढ़ा था अब देखें अ ट्रैक बॉल कैन बी यूज़ एन अल्टरनेटिव टू अ माउस ये माउस का अल्टरनेटिव है दिस डिवाइस हैज़ बटन सिमिलर टू दो ऑन माउस जैसे माउस के बटन होते हैं सिमिलर इस डिवाइस के भी बटन uh, होते हैं इट हैज़ अ लार्ज रोटेटिंग बॉल ऑन द टॉप लेकिन इसके ऊपर एक लार्ज रोटेटिंग बॉल होती है जो रोटेट हो सकती है वो उसके टॉप पर होती है द बॉडी ऑफ द ट्रैक बॉज मूव अब जो कर्सर था हम जब कर्सर को मूव करते थे तो उसके मुताबिक ही कर्सर को मूव करने के लिए हम अपने माउस को मूव करते थे हम माउस के मूवमेंट के मुताबिक जो कर्सर था वो स्क्रीन पर वो मूव होता था लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर इसकी बॉडी मूव नहीं करेगी इस पर एक लार्ज रोटेटिंग बाल है बटन सिमिलर इसके माउस की तरह है लेकिन इसकी बॉडी माउस मूव नहीं करती द बाल इज़ रोल्ड विद फिंगर अब जो ये बाल है इसके ऊपर जो लार्ज रोटेटिंग बाल है जो रोटेट हो रही है इसको हम किसके साथ रोटेट करेंगे अपनी फिंगर के साथ द पोजिशन ऑफ द कर्सर ऑन दी स्क्रीन इज कंट्रोल बाय द रोटेटिंग बाल अब जो जो कर्सर है जिसकी हम मूवमेंट माउस के साथ मूव करते थे यानी माउस को जिस तरफ मूव करते थे फिर उसके मुताबिक हम कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते थे लेकिन यहाँ पर कर्सर की मूवमेंट जो ट्रैक बाल के इस्तेमाल करने के लिए ट्रैक बाल का इस्तेमाल करें तो कर्सर की मूवमेंट को हम जो लार्ज रोटेटिंग बाल है उसके साथ कंट्रोल करेंगे क्योंकि इसकी बॉडी मूव नहीं करेंगे अब इसका जो फ़ायदा ये है द एडवांटेज ऑफ द ट्रैक बॉल इज़ दैट इट टेक लेस स्पेस टू मूव दैन माउस अब माउस है उसको मूव करना पड़ता है उसके साथ हम माउस पैड का इस्तेमाल करते हैं या फ्लैट शोर फेस का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ट्रैक बॉल ने हमें यह फ़ायदा दिया है कि ये अब स्पेस कम लेगी जगह कम लेगी क्योंकि इसको मूव नहीं करना पड़ता द ट्रैक बॉल इज़ ओफन इंक्लूड इन लैपटॉप कंप्यूटर ज़्यादातर ये लैपटॉप कंप्यूटर के साथ होती है इट कैन आल्सो बी यूज एज अ सेपरेट इनपुट डिवाइस अब ये सेपरेट इनपुट डिवाइस अलग से एक इनपुट डिवाइस के तौर

की मूवमेंट को कंट्रोल फिंगर के जरिए किया जाता है फिंगर की मूवमेंट के जरिए इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रैक पैड ये आपका एम सी क्यूज भी है टच पैड आल्सो हैज़ वन और मोर बटन नियर इट इसके साथ ही इसके नज़दीकी दो या तीन एक या एक से ज़्यादा बटन होते हैं दिस बटन वर्क लाइक माउस बटन अब ये बटन माउस बटन की तरह काम करते हैं टच पैड आर कॉमनली यूज विद नोटबुक कंप्यूटर नोटबुक कंप्यूटर के साथ हम टच पैड को इस्तेमाल करते हैं द यूजर कैन आल्सो यूज़ एन एक्सटर्नल वायरलेस टच पैड विध डेस्क टॉप अब ये नहीं कि ये सिर्फ नोट कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होगा इसको हम एज अक्सटर्नल डिवाइस के तौर पर वायरलेस टच पैड को एक्सटर्नल वायरल टच पैड को डैक्क कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं अब यहाँ पर ज़रा समझिएगा दोबारा से मैं आपको समझा रही हूँ बार बार मैं आपको रिपीट करती हूँ ताकि आपका जो भी आपको कन्फ्यूज़न होगी वो साथ साथ क्लियर हो हमने पीछे पढ़ा माउस माउस की मूवमेंट के साथ कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं फिर पढ़ा ट्रैक बैल ट्रैक बैल में जो एक लार्ज रोटेटिंग बाल है जो हम फिंगर के साथ जिसको मूव करें उसकी मूवमेंट के साथ कर्सर को कंट्रोल किया जाता है कर्सर की मूवमेंट को अब टच पैड आ गया तो टच पैड में एक स्मॉल शोर फेस है जिस पर हम अपनी फिंगर की मूवमेंट के साथ कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं अब इधर देखिएगा ये उन्होंने दे दी एग्जाम्पल टच पैड की जो कि हमें नोटबुक कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप कंप्यूटर के साथ मिलता है और ये उन्होंने कहा एक्सटर्नल वायरलेस टच पैड है जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ भी कर सकते हैं अब आपको हाई आई होप समझ आ गई होगी कि टच माउस में और ये टच पैड में क्या फ़र्क है हमने पीछे पढ़ा था टच माउस तो टच माउस आपने देखा कि वो एक अलग से डिवाइस थी तो यहाँ पर आप टच पैड को देख सकते हैं या ट्रैक पैड इसे कहा जाता है जो आप देखते अपने पीसी या पीसी सॉरी लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है अंदर से बिल्ट इन होता है तो इसको हम एक्सटर्नल तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखिए ये भी एक स्मॉल फ्लैट शोर फेस है जिस पर हम फिंगर की मूवमेंट के ज़रिए कर्सर के मूवमेंट को रोके मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे उसके बाद अब चौथी जो आ गई है पॉइंटिंग डिवाइस वो है पॉइंटिंग स्टिक अ पॉइंटिंग स्टिक क्या है अ पॉइंटिंग स्टिक इज़ अ प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस ये प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है इट इज़ सिमिलर टू पेंसिल अरेजर एंड एग्जिट बिटवीन की ऑन द कीबोर्ड ये अब जो की है यानी जो बटन है कीबोर्ड पे हमने पीछे डिस्कस किया था डिटेल के साथ कीज क्या होती हैं तो जो बटन है कीबोर्ड के उनके दरमियान होती है ये द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव वन द यूज़र पुश द पॉइंटिंग स्टिक अब जब ये पॉइंटिंग स्टिक एक प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है जब यूज़र इसको पुश करेगा तो फिर ये कर्सर जो स्क्रीन पर मूव करवाएगी पॉइंटर को इट रिक्वायर नडिशनल स्पेस अब ये ज़्यादा स्पेस इसकी रिक्वायर नहीं करती और क्लिनिंग लाइक मोस अब इसको बार बार क्लीन भी नहीं करना पड़ता पॉइंटिंग स्टिक इज नॉर्मली यूज इन नोटबुक नोटबुक कंप्यूटर अब यहाँ पर ये देखिएगा ये कीज़ हैं ये बटन है उसके कीबोर्ड के अब इनके दरम्यान ये एक पॉइंटिंग स्टिक है अब इसको जब यूज़र पुश करेगा तो ये कर्सर को मूव करेगी अब मेरे पास भी ये है मेरे लैपटॉप में तो अब देखिएगा मैं इसको ज़रा ऐसे इस्तेमाल कर रही हूँ अब जो ये जो आप देख रहे हैं पॉइंटर मूव हो, हो रहा है ये ये मैं इसी के ज़रिए कर रही हूँ पॉइंटिंग स्टिक के ज़रिए मैं इसको ज़रा पुश कर रही हूँ तो ये हो रहा है अक्सर बच्चे इसे वो कीबोर्ड पे ढूंढना शुरू कर देते हैं ये डेस्कटॉप में आपको नहीं मिलेगा ये आपको लैपटॉप में मिलेगा इसके बाद टच स्क्रीन है तो इनशाला टच स्क्रीन है ज़रा लंबा हो जाएगा ज़्यादा वीडियो तो हम ये अगली वीडियो में कर लेते हैं तो आज हमने ती, आगे तीन पढ़ ली हैं तो इन अगली वीडियो में हम करेंगे टच स्क्रीन को तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा उसे लाजमी सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें हमें